बोला गिर गया गिर गया तब हम क्या गिरना बोल के कहिए ना देख रहे चोला गिर तो ऐसे ऐसे देखिए सांप लटका सांप लटका ऐसे ऐसे हो रहा है सांप अच्छा तो मतलब आप किचन में देखे सांप तो दोस्तों अभी जो है हम लोग इस कॉलोनी पीरदगा के पीछे क्वार्टर नंबर 15 आए हुए हैं और यहाँ बता रहे आंटी जब गई किचन में तो बोरा गिर गया और बोरा गिरने के बाद इन्होंने सांप को देखा तो चलिए सांप को सर्च करते हैं ऊपर में है ऊपर साइड आहा दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा स्पेक्टिकल कोबरा है देख सकते हैं किस तरह से किचन में ऊपर साइड दीवार पे है दोस्तों ये और ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि ऊपर साइड यदि सांप है आप एक टेबल मंगाइएगा उससे टेबल टेबल हाँ कुर्सी टेबल कुछ भी है तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ऊपर साइड यदि सांप होते हैं तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है सांप जंप कर सकते हैं सांप जो है जंप करके आपको बाइट कर सकते हैं दोस्तों तो आइए अब हम लोग जो है कोशिश करते हैं इस स्नेक को निकालने की ये बहुत रिस्की होने वाला है देख सकते हैं इस सांप ने फन फैला दिया है हम चाहेंगे कि इसे बड़ी ही सावधानी से निकाला जाए देख सकते हैं किस तरह से कोबरा फन फैला के पूरी तरह से अटैकिंग पोजीशन में है और दोस्तों इसे हमें बहुत सावधानी से निकालना होगा दब गया है ये नहीं दबा नहीं है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा मेरे पीछे नहीं रहना को साहू कूदेगा तो हमको भी जंप करना होगा अरे बाप कूदने लगा तो देख सकते हैं दोस्तों इस नाक का गुस्सा किस तरह से ये एग्रेसिव है ऐसा सीन दोस्तों हमारे साथ पहली बार हुआ है जब इस साइड पे आप सोच कर देखिए नीचे से दिखाइए कैसे यह सांप इतने ऊपर चढ़ा होगा और यह तो हुआ कि थैली गिर गई तो नजर आ गया वरना क्या है कि सांप आपको दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंटल बाइट हो सकती थी हालांकि इस घर की दीवार जो है यह भी बहुत ही खराब कंडीशन में है तो इससे हम लोग क्या है कि बहुत सावधानी से कोशिश करते हैं निकालने के और लगभग यह आ चुका है बाहर लेकिन अभी भी अटका हुआ है यह हम लोग चाहेंगे इसे अच्छे से निकाला जाए और सांप क्या है नीचे उतरने की कोशिश में है और देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़े साइज का कोबरा है यह चलिए इसे लेकर बाहर चलते हैं हम लोग तो चलिए इसे बाहर लेकर चलते हैं आगे बढ़ते हैं यही था लीजिए आज नजर आ गया लेकिन आज बहुत डेंजरस जगह ये है दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा कोबरा है और किस तरह से यह जो है किचन की दीवार पे था आप समझ सकते हैं और इसे ही हम लोग दुधिया नाग कहते हैं दोस्तों होता क्या है कि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वैसे कंडीशन में क्या है इसकी बॉडी फुल रिफ्लेक्ट करती है और यह बिल्कुल दुधिया कलर का नजर आता है तो किचन में यह सांप था इसका मतलब दोस्तों यह भूखा है अभी और शिकार की तलाश में जो है किचन में चला गया होगा चूहों के गंध का पीछा करते हुए जो है यह सांप किचन में आ गया तो होता क्या है अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या किया जाए कि सांप उनके घरों में ना आए तो दोस्तों सबसे पहला बात तो यह है कि सांप आपको काटने या आपसे किसी तरह की नहीं कोई दुश्मनी नहीं होती है उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता तो वो आपके लिए घर में नहीं आते हैं वो शिकार के तलाश में आते हैं अक्सर क्या होता है चूहे वगैरह छोटे छोटे जो जीव हैं वो किनारा किनारा चलते हैं और मनुष्यों के घर में घुस जाते हैं आप अपने घर में साफ सफाई रखें चूहों को दूर रखें अपने घर से तो सांप भी आपके घरों में नहीं आएंगे
लेकिन होता क्या है, जब लोग खाना वगैरह खाते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं, छोटा मोटा टुकड़ा रोटी का टुकड़ा इधर उधर, जिसके कारण उसे खाने के लिए चूहे आते हैं और फिर चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं। और दोस्तों सांप तभी शिकार पर निकलते हैं जब सन्नाटा होता है, बिल्कुल चहल पहल नहीं होती है, तभी सांप बाहर आते हैं अपना शिकार के लिए। और इसी दरमियान अगर कोई व्यक्ति गलती से आना जाना करता है और सांप से आमना सामना हो जाता है तो सांप उन्हें बाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों सांप बाइट होने के बाद कभी भी झाड़ फूक ओझा गुनी तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाएं जल्द से जल्द, और वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और सर्पदंश से ठीक होकर घर आ सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ दोस्तों अब चलिए इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। डब्बा निकालिए, यही था बेटा मेरा आइए दोस्तों अब इस कोबरा सांप को हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इसे थोड़ी सी पुरानी इंजरी है लेकिन यह ठीक हो चुका है। चलिए इसे क्या है हम लोग पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली इस कोबरा सांप को अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है और इसे ले जाकर हम लोग उचित पर्यावरण नेचर में छोड़ देंगे या मनुष्यों से दूर, जहां ये अपने आगे की जिंदगी अच्छे से सरवाइव करेगा, लोग भी सुरक्षित है। तो उम्मीद है आपको रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बढ़िया ताली मार दीजिए भैया के लिए। तो इसे क्या है हम लोग नीचे छोड़ देते हैं। और अब यह चला तो चला जाएगा। चलिए इसे भी जाने देते हैं, हम भी चलते हैं घर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।